एक्सक्यूज मी मैम जी, आपके लिए नाश्ते में क्या बना दूँ? हाँ, सिर्फ ऑरेंज जूस दे दें अभी। राइट मैम। वालेकुम अस्सलाम, सनम से मिला जी। मैम एक्सरसाइज कर रही है, अभी आती हूँ। अच्छा, आप जाएं। किस किस्म के कपड़े पहने हुए तुमने? घर में मर्द मुलाजिम होते हैं, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। अम्मी, अपना घर बचाने के लिए करना जरूरी था, और वैसे भी हमारे घर के माहौल में और यहाँ के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। जो चीज वहां पे ठीक लगती है, यहाँ पे चीप कहलाती है। तो जहां तक मुलाजमों की बात है, वो अभी सबके आदी हो चुके हैं। अखलाकियात, शर्मो हया कहीं नहीं बदलते। अब आपको कौन समझाया यार? आप अपने घर के माहौल की बात कर रही हैं और मुझे यहाँ पे खुर्रम के साथ रहना है, उनकी पसंद के मुताबिक चलना है मुझे। उसकी पसंद के बजाय अगर तुम उसे अपनी पसंद बदला देती तो ज्यादा अच्छा होता। अब आप मुझे कंफ्यूज ना करें, खुर्रम खुश है और मैं भी उनकी खुशी में बहुत खुश हूँ। तो और आप ये धक्कियानूसी बातें करके मेरा मूड खराब ना करें। तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें हमारा ये रिश्ता भी दकियानूसी और पुराना लगने लगेगा। फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो बहुत जल्द सोच लूंगी। सिर्फ मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुर्रम की बातों में इस हद तक आ जाओगी। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे खुश ही रहने दें। सनम, तुम्हारी सोच कितनी बदल गई है। आप ही तुम खुद ही तो कहती थी कि अपने शौहर की पसंद के मुताबिक चलो। अम्मी चले यहाँ से, इससे कोई भी बात करना फजूल है। मुझे तुम पर बहुत अफसोस हो रहा है। उसको बदलने के बजाय तुम खुद बदल गई। अब बदल गई हूं तो तब भी खुश नहीं है। मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूं। अब हम यहां कभी नहीं आएंगे। चलो